वेलकम बैक टू माय चैनल दीपशिखा डिलीशियस। हमारी आज की रेसिपी है लौकी के कोफ्ते। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी के लिए। तो लौकी के कोफ्ते के लिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ लौकी लिया है। 1/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बेसन, काली मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, मैंने यहाँ पे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च लिया है और 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और मैंने यहाँ पे चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया लिया है। तो साथ मैंने यहाँ पे हुआ प्याज लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच छोटा अदरक लिया है और 2 बड़े साइज के टमाटर। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी के लिए। मैंने लौकी को पहले ही छील के धो के कद्दूकस कर दिया था। हम ग्रेटेड लौकी में, कद्दूकस की लौकी में हम नमक ऐड कर लेंगे, क्योंकि नमक से लौकी अपना जितना भी पानी होगा वो सब पानी छोड़ देगा। अब हम इनको अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो अब देखेंगे कि लौकी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इनको अच्छे से निचोड़ के पानी को अलग कर लेते हैं और हम लौकी के इस पानी को फेंकेंगे नहीं, अपनी ग्रेवी बनाने के लिए यूज करेंगे। अब हम लौकी में 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, अब हमें इसमें नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा काला मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम लौकी और इन मसालों को आपस में मिला लेते हैं। 4 बड़े चम्मच बेसन ऐड करूंगी। हमारे इस कोफ्ते की बैटर के लिए हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया डालूंगी और इन सबको हम मिला लेंगे। हमारा बैटर अब अच्छे से रेडी है और अब हम अपने इस बैटर को 10 मिनट तक रेस्ट देंगे। तेल मैंने मीडियम आंच पे गरम कर लिया था, अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। आपको ये देखना है, आपके जब आप कोफ्ते फ्राई कर रहे हैं तो आपका फ्लेम मीडियम पे ही होना चाहिए। हमें कोफ्तों को जब तक वो हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए हमें उनको तब तक तलना है। हमारी कोफ्ते कितने सुंदर, कितने कलरफुल लग रहे हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के वो प्रॉपर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम अपने सारे कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। मेरे कोफ्ते हैं वो है रेडी, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट हैं। अब लौकी के कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें 2 स्पून ऑयल ऐड किया है और अब इसमें थोड़ा हींग ऐड करेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, 1 करी पत्ता। इन तीनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी और प्याज को मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी और मैं मसाले रेडी कर लेती हूँ। तो मसालों के लिए मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च और 1 बड़ा टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी।
और साथ ही इसमें एक बड़ा टेबल स्पून बेसन ऐड करूंगी और इन सबको मिक्स करूंगी। तो आप देखेंगे हमारे प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे जो मसाला बना के रखा था अब उन मसालों को हम इसमें ऐड करके प्याज के साथ फ्राई करूंगी। पानी डाल के इन मसालों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हमारे उस मसालों में बेसन भी है वो अच्छे से प्याज के साथ भुनेगी। और हम यहाँ पे टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के हम अपने मसालों में डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूंगी और इनको अब हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। हार्डली 5 मिनट के बाद आपको इन मसालों को फिर से चलाना है और अब हम इसमें डालेंगे अपनी बची हुई लौकी का पानी। वो हमारे ग्रेवी में जाके बहुत ही अच्छा लौकी का मिठास भी देगा और इससे ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी। अभी 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, पका लेंगे। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसको मिक्स कर लूंगी। और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें अपने लौकी के जो कोफ्ते हैं हम अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे। और अब हम इसको अपनी बारीक कटी हुई धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो हमारी कोफ्ते की रेसिपी है रेडी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर किस बात का वेट, नीचे बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सी यू टिल द नेक्स्ट रेसिपी। थैंक यू।